राजनगरी आगरा में राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष कुमारी मालती चौधरी के द्वारा संगठन विस्तार और समीक्षा के लिए होटल उषा किरण पैलेस प्रतापपुरा आगरा पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री राजवीर सिंह गुर्जर, सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल ब्रह्मपाल सिंह तोमर, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह एडवोकेट ने कार्यक्रम में शिरकत की। संगठन का विस्तार करते हुए प्रकोष्ठ को मंडल एवं जिला स्तर पर पदाधिकारी आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मालती चौधरी ने नवयुक्त पदाधिकारियों को बधाई और आभार व्यक्त किया। सरकार ने बिजली के बिलों को बढ़ा के किस जनता का आक्रोश है, महकने से भी ज्यादा 4-6 महीने में उन्होंने बढ़ाया। इसे लेके पारित बड़ा आंदोलन करने के लिए किया है और 3 तारीख में जिला मुख्यालयों पर लोग प्रदर्शन करेंगे हमारे और सरकार को चेताने का काम करेंगे। आप जनता के विरोध में काम करें, एक तो इन्होंने रेट 2.5 गुना ज्यादा बढ़ा, दूसरा ये तो होता था कि जो कटिया डाल के बिजली चोरी करते थे उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होती थी, लेकिन अब सरकार आदेश हो गया है कि जो बिल समय पर नहीं दे उसके खिलाफ भी आपराधिक धाराओं में मुकदमा होंगे। इससे जनता को भारी परेशानी है और हमारी पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है, तो लेकिन हम जनता के बीच में जाएंगे और सरकार के खिलाफ जन आंदोलन। क्या ये बिजली जो प्राइवेट है क्या उसको हटाने प्रयास करेगी पार्टी? है जी, बिजली जो प्राइवेट है जो प्राइवेट है इसको क्या हटाने का प्रयास करेगी? नहीं, हम तो विरोध करेंगे इसका, बिल्कुल विरोध करेंगे, उसे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। तारीख में सभी मुख्यालयों पर होगा, फिर 4 जून से कंटिन्यू हम लगातार आंदोलन करेंगे। जैन जी हर जिले में जाएंगे इसे लेके लंबा आंदोलन। उम्मीद के चुनावों में लेके अधिकतर देखा जाए गठबंधन की बात सामने आ रही है, तो राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल क्या गठबंधन की तो जरूरत है, राष्ट्रीय लोकदल की जनभावना है। जनभावना ये है कि सरकार देश की हो या सेंटर की हो, मैं संगठन को मजबूती की दिशा देने के लिए लगातार होता रहता है और इस बार पहली बार देश भर में विभिन्न प्रकार के संगठन और जो सहायक संगठन पार्टी के हर एक पार्टी जो होता है, पहली बार किसान प्रकोष्ठ प्रदेश भर में, सैनिक प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ, छात्र प्रकोष्ठ, इस तरह से दर्जनों जो प्रकोष्ठों का गठन किया गया है ताकि संगठन में हर बिरादरी के, हर वर्ग के, हर क्षेत्र में जो लोग हैं, शिक्षक हैं, शिक्षित प्रकोष्ठ, उन तक हम जो है पार्टी की पहचान बना सके, अपना कार्यक्रम जो है उनका जो माध्यम से दे सकें। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, 3 प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं, मैं स्वयं सैनिक प्रकोष्ठ को लीड करता हूँ प्रदेश में, मेरे बराबर में जो बैठे हुए हैं किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह गुर्जर हैं और उनके बाईं तरफ उपेंद्र चौधरी जी हैं जो विधि प्रकोष्ठ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज हम यहाँ पर आगरा में जिला अध्यक्ष और आगरा मंडल जिसमें मथुरा है, फिरोजाबाद है, मैनपुर रुशम आगरा है, उसके मंडल अध्यक्ष का भी गठन करेंगे और इस निर्देश के साथ कि वो भी अपनी कमेटी हर एक जिलों में जल्दी से जल्दी तैयार करें और मेन संगठन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो चलें ताकि पार्टी और मजबूती के साथ में। सर, किसानों दलों ने इसके लिए ज्ञापन भी दिया और चौधरी साहब के आह्वान पर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आपके यहीं से आते हैं हाथरस से डॉक्टर अनिल चौधरी, उन्होंने भी दिया और लोगों से हम मिले, अधिकारियों से मिले कि इस बात